मू लोये एसो एषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपनासनु मङ्गलानं च सवेशं पढमं हवै मङ्गलम् ம மங்களம் குருவர வந்த கரு ஆதர் சத்துணம் மன் சதா மங்களம் ஆ दिव्य गुरु चैत्य वहरता करू पर उपासन चितलाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय चरम तीर्थी समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन सिद्धा सिद्धि मम दिशंत सिद्धा सिद्धिम मम दिशंत सिद्धा सिद्धिम मम दिशंत हे सिमंदर स्वामी आपके अतिशय से हम सबके भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हो सम्यक बोध जागृत हो जागृत हो जागृत हो। प्रदाता विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को वंदन सृष्टिगत सतत सहयोगी हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निमित्त का आभार 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 तत्वार्थ अधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम जय हो हम जीव तत्व के संबंध में पिछले सेशन से कई सारे सेशन में उसी के बारे में सुन रहे हैं जान रहे हैं तो लास्ट सेशन में हमने सुना था कि जीव का लक्षण क्या है जैसे बुखार आता है कोरोना आया तो हमने उसको उसके सिम्टम से पहचाना कि ये वाला बुखार ये वाला सर्दी जुखाम जो ये कोरोना की वजह से है अदरवाइज बुखार आते हैं बहुत बार तो हमको हर बार बुखार के सिम्टम से पहचानना पड़ता है कौन सा वाला बुखार है मलेरिया का बुखार आया है ये टाइफाइड का आया है ये डेंगू का आया है ये किस किस कारणों से आया है बुखार तो एक लक्षण है उसे ये पता लगता है अंदर कुछ हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है उसके लिए हमें वापस से डायग्नोज करना होता है, है ना तो ऐसे ही हम कैसे डायग्नोज करें कैसे पहचाने इसका लक्षण क्या है जीव का ये जीव है तो बताया उपयोग है तो पता लग जाएगा जीव है उपयोग लक्षणम जीव का लक्षण उपयोग है ये तत्वार्थ अधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर का एक सूत्र है आठवा सूत्र है जो कह रहा है कि जीव का लक्षण उपयोग है उपयोग का मतलब क्या बताया उपयोग का मतलब उसमें होश है उसमें जानना है उसमें महसूस करना है ज्ञान है दर्शन है जानना ज्ञान है महसूस करना दर्शन है कौन जान सकता है तो जड़ नहीं जान रहा है चेतन जान सकता है कौन महसूस कर सकता है जड़ महसूस नहीं कर रहा है चेतन महसूस कर रहा है तो उपयोग जीव का लक्षण बताया जो जान रहा है जो महसूस कर रहा है वो उपयोग है अब शब्द की व्याख्या अनेक तरीके से की जाती है जैसे उपयोग में योग और उप उपसर जुड़ा है उप प्लस योग इक्वल टू तो उपयोग उप यानी समीप उप यानी की और उप यानी उपस्थित योग में जो उपस्थित है जिसकी वजह से योग हो रहा है मन वचन और काया तीनों जुड़े हैं जो इन तीनों की ओर है या जो इन तीनों का उपयोग का उपयोग कर रहा है वह कौन है वह जीव है जीव ही है जो भाव रूप है पांच भाव रूप है उसका स्वरूप हमने जाना था कि वो भाव स्वरूप है और वह उपयोग लक्षण वाला है अब इस लक्षण की व्याख्या दर्शन शास्त्र में कैसे की जाती है लास्ट सेशन में हमने जाना था कि दार्शनिक लोग जो है वो लक्षण की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि वह लक्षण होता है जिसमें तीन प्रकार के दोष न पाए जाते हो अब किसी भी चीज की जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के मोटा मोटी दो तरीके हैं एक तरीका यह है कि आप उसके बारे में सकारात्मक चीजें बता रहे हो ये ये इसमें है विधायक रूप से उसमें, निगेट के बता रहे हो इसमें ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है जैसे हमने जाना कि जीव के बारे में अन्य अन्य अनेक दार्शनिकों ने अनेक तरीकों की व्याख्याएं करी है आचारांक सूत्र में भी इस जीवात्मा की व्याख्या में एक सूत्र आता है जिसमें बोला गया है कि जीव वह है जिसमें वर्ण नहीं है गंध नहीं है रस नहीं है स्पर्श नहीं है अब ये व्याख्या जो है वो निगेट के रूप में की गई है और एक व्याख्या हमने विधायक के रूप में करी जीव वह है जिसमें पांच तरह के भाव है जीव वह है जिसका उपयोग लक्षण है है ना दो तरीके से व्याख्या की जा रही है तो एक व्याख्या कह रही जीव वह है जो पांच तरह के भाव है औदयिक औपमिक श्रायिक शायप श्रमिक परिणामिक उसका उपयोग लक्षण है फिर वो उपयोग इतने इतने प्रकार का है दूसरी व्याख्या है कि जीव वह है जिसमें ये 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 नहीं है तो हम उसको छू के नहीं जान सकते हम उसको देख करके नहीं जान सकते क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है उसमें कोई गंध नहीं है कि हम उसका स्मेल करके जान ले कि ये जीव है उसमें कोई रस नहीं है कि हम उसका टेस्ट करके जान ले कि ये जीव है ऑल दो जीव ही है जो गंध ले रहा है जो रस ले रहा है जो स्पर्श ले रहा है लेकिन जीव का अपना कोई गंध नहीं है जीव का अपना कोई रस नहीं है जीव का अपना कोई स्पर्श नहीं है अब ये नहीं है ये कहना भी एक आयाम से है इसी की और दूसरी तरीके से व्याख्या करने जाएंगे तो और कई तरीके से इसमें आ, अलग अलग आयाम हम छू सकते हैं तो लक्षण शास्त्र में बताता है कि लक्षण वो होता है जिसमें तीन तरह के दोष ना हो अतिव्याप्ति ना हो अव्याप्ति ना हो असंभव ना हो लक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिसका लक्षण बताया जा रहा है उसके सिवा बाहर भी कहीं मिल रहा हो अगर उसके सिवा बाहर भी कहीं मिल रहा है तो अति व्याप्त हो गया जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में दिया था कि भी अगर कोई बोले कि शक्कर का लक्षण है कि मीठा होना तो मीठा होना लक्षण कैसे कहा जा सकता है शक्कर का क्योंकि वो तो गुड़ में भी मिठास है शहद में भी मिठास है बहुत सारी चीजें जैसे मिठास है तो मिठास लक्षण जो है शक्कर का वो लक्षण तो है लेकिन वो अति व्यापक है तो जीव का जो उपयोग लक्षण है वो अति व्यापक नहीं है वो जीव में ही है जीव के सिवाय किसी और में नहीं फिर दूसरा दोष बताया था अव्याप्ति जो उसमें पूरी तरह से व्याप्ति ना हो फिर उसको लक्षण कैसे कह देना जीव का लक्षण जो है वो जीव में पूर्ण रूप से व्याप्त है अव्याप्त नहीं है ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि वो जीव का जो उपयोग लक्षण है वो सिद्धों में तो है संसारी में नहीं है या साधुओं में तो है असाधुओं में नहीं है. ऐसा नहीं कह सकते वो जीव मात्र में है फिर वो जीव चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो सिद्ध रूप हो संसारी रूप हो एक इंद्र से लेकर के पंच इंद्र किसी भी रूप में हो उपयोग लक्षण अगर जीव का है तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं है वो सर्वत्र है अव्याप्ति भी नहीं है अति व्याप्ति भी नहीं है फिर तीसरा लक्षण का शास्त्रों में लक्षण शास्त्र में जो लक्षण का दोष बताया है वो है असंभव दोष कि कोई ये कह दे कि ये इसमें है लेकिन वो उसमें पाया ही ना जाए तो वो असंभव हो गया जैसे कोई बोले आकाश में फूल कोई बोले गधे पे सींग कोई बोले भौतिक सुख भौतिक बा, पदार्थों में सुख कोई बोले रेत से तेल निकालना अभी असंभव बातें हैं जो हो ही नहीं सकती तो जो असंभव लक्ष्य दोष बताया गया है जीव का वह जो उपयोग लक्षण है वो असंभव दोष से युक्त तो नहीं है उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है ना अतिव्याप्ति दोष है ना अव्याप्ति दोष है ना असंभव दोष है इसका मतलब ये अप्रोप्रिएट है प्रॉपर है उपयोग की वजह से ही हमें होश है या जिसको होश हो है उसको हम उपयोग कह रहे हैं फिर हमने बात की कि हम हर चीज को नकार सकते हैं लेकिन अपने होनेपन को नहीं नकार सकते हम हाँ हर चीज के लिए डिनाई कर सकते ये नहीं है ऐसा कह सकते जैसे अभी हम सुन रहे सुनना बंद कर दे तो हम कहते मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा हम देख रहे आके बंद कर दे कहते हमें दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि मैं नहीं हूं उसमें भी हूं तो आई है और फिर कहने वाला कौन वही जो ये कह रहा है कि मैं नहीं हूं वो कहने वाला कौन है तो हमने बात की थी लास्ट टाइम में कि कोई आत्मा पे शंका करे तो शंका करने वाला कौन है रामकृष्ण परमहंस के पास एक बहुत तार्किक उस जमाने के बड़े विद्वान केशव चंद्र जी पहुंचे और वो ये ठान करके गए कि मैं रामकृष्ण परमहंस को हरा के रहूंगा क्योंकि बड़ा आस्तिक बनते हैं ये कहते ईश्वर है तो परमात्मा नहीं है मैं इसके सारे तर्क उनके सामने रखूंगा वो जमाना था शास्त्रार्थ का पंडिताई का आज भी है हालांकि हर कोई अपना अपना मत रखता है दूसरे के मत को काटने की कोशिश करता ही है देखो सब जगह यही वाद विवाद हर जगह चालू है वो पॉलिटिक्स में भी है और वो धार्मिक पॉलिटिक्स में भी है सो so कॉल्ड उसको धर्म नहीं कहना चाहिए परंतु नाम ऐसे दे देते हैं धार्मिक समाज में भी यही है तो वो केशव चंद्र गए तो इसीलिए कि रामकृष्ण परमंश को हरा के रहेंगे और वो अपने सारे तर्क रखना शुरू कर दिया उन्होंने रामकृष्ण परामंश तो उनकी बात को सुन के एकदम ऐसे हो रहे जैसे मंत्र मुग्ध हो रहे हो वो इतना इंटरेस्ट लेके बात सुन रहे हैं लोग हैरान है कि ये रामकृष्ण परमर्श क्या कर रहे हैं ये कुछ तो भी रिस्पॉन्ड करे कुछ तो भी झगड़ा करे कि नहीं ईश्वर है वो कुछ तो भी तर्क दे लेकिन वो तो सुनते हैं और एकदम खुश होते हैं और फिर जब केशव चंद्र बड़े बारी बारी तर्क देते है रामकृष्ण परमर्श की तो ये स्थिति हो गई वो उठ के खड़े होकर केशव चंद्र को गले लगा लिया केशव चंद्र को लेकर ले पागल आदमी मैं इसको हराने आया हुआ है तो मुझे गले लगा रहा है मुझे प्रेम कर रहा है बोले इतने सारे तर्क आ कहाँ से सकते हैं जरूर तुम्हारे अंदर कोई ईश्वर की प्रतिभा है जिसकी वजह से तुम ये ऐसी बातें निकाल पा रहे हो ईश्वरीय प्रतिभा के बिना तो यह संभव है कि ये ये बुद्धि से से आ जाए ये इतने बड़े बड़े विचार आए तुम्हारे तुम्हारे अंदर तुम्हार अंदर जरूर कुछ तो प्रतिभा है कैशव चंद्र ने अपने भीतर से अपना सिर्फ फोड़ लिया होगा बोले मैं तो ये कहने के लिए आया ईश्वर नहीं है और ये ये कह रहे तुम्हारे में ईश्वर नहीं होता तो इतनी बड़ी बात कर कैसे सकते थे तुम खुद प्रमाण हो कि ईश्वर है तो उपयोग लक्षण है तो ये कैसे कैसे नहीं है क्योंकि नहीं है कहने वाला भी कौन कह रहा है जो कोई तो जान रहा है वो कह रहा है कोई तो मौजूद है जो कह रहा है वो जो मौजूद है वो कौन है वो five senses के तो परे कोई है जो कह रहा है कोई तो है जो आग के भीतर से देख रहा है कोई तो है जो कान के भीतर से सुन रहा है कोई तो है जो नाक के भीतर से स्मेल कर रहा है तो वो कौन है वो वह है जिसका लक्ष्य उपयोग है वह वह है जो होश है वह वह है जो जानना देखना जिसका गुण है तो उपयोग लक्षण की बात करते हमने कहा था कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते इसको नहीं नहीं कह सकते ये नहीं है लक्षण, लक्षण है क्योंकि जो कहेगा नहीं है वो भी कहने वाला कहीं मौजूद तो है वो जान रहा है तभी तो कह रहे नहीं हूँ अमित जी बोले मैं घर पे नहीं हूँ तभी बोल कौन रहा है जो कह रहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ <laughs> वो ही तो है तो ये उपयोग लक्षण की हमने बात लास्ट टाइम में की थी फिर हमने नेक्स्ट सूत्र जो नाइंथ सूत्र है वो उपयोग लक्षण के भेदों की बात कर रहा है तद्विविदो अष्ट चतुर्वेदः बहु उपयोग लक्षण दो विधा वाला है जिसके आठ और चार भेद है वो दो विधा क्या बताई तो बोला ये जो हमारे भीतर का उपयोग लक्षण है वो साकार उपयोग भी है और अनाकार उपयोग भी है अनाकार कह दो निराकार कह दो अब देखो पूरी दुनिया में झंझटे हैं ये पुराने समय में तो भारत के अंदर इतनी बड़ी दो धाराएं हो गई थी एक धारा बोलती थी ईश्वर निराकार है निर्गुण है जिसमें कबीरपंथी भी मौजूद है बहुत सारे लोग है गुरु नानक देव भी सारे लोग वो कहते निराकार है निर्गुण है उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती ये है वो है एक कोई कह रहा है ईश्वर सगुण है सारे गुण उसी में मौजूद है अगर उसमें उसके गुणों की वजह से सृष्टि में सारे रंग है तो अब वो जो सगुण कह रहे हैं वो ईश्वर को रंग रूप सब दे रहे हैं ईश्वर में ही सत्व गुण रजोगुण गुण गुण भी मान रहे हैं ईश्वर में ही सब कर्ता शक्ति मान रहे हैं तो कोई तो है सगुण भक्ति करने वाले कोई है निर्गुण भक्ति करने वाले और वो भी एक युग था जब सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति करने वाले भी आपस के अंदर वाद विवाद क्या करते थे ये वही लोग हैं जिनके भीतर वाकई में भक्ति नहीं हुई अगर वाकई भक्ति होती तो विवाद कैसे हो सकता था जैसे अगर वाकई प्रेम हो तो कोई आज भी उस प्रेम के लिए विवाद कैसे करेगा विवाद करने का मतलब ये कि वो मौजूद नहीं है पर ऐसे ही चल रहा था सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति साकार ईश्वर निराकार ईश्वर इसको लेकर के बड़ी व्याख्याएं होती थी तो ये शब्द क्यों कहने पड़े इसके पीछे कारण था वरना क्या जरूरत थी उपयोग गुण को वापस से भेदों में बताने की उपयोग लक्षण है बात खत्म हो गई लेकिन बात खत्म नहीं हुई और व्याख्या करनी पड़ी क्योंकि आदमी बड़ा मजेदार है ना वो ना जाने कहाँ अटक जाएगा तो जहाँ उसके अटकने के कारण बनेंगे वहां वहां प्रकाश डालना पड़ेगा बैठको मत साकार उपयोग भी है निराकार उपयोग भी है वो जो महसूस कर रहे वो निराकार है वो जो दर्शन गुण है उसके अंदर में वो जो उसकी महसूसी है वेदन है वो वेदन का कोई आकार नहीं वो निराकार है जैसे हम कह रहे प्रेम अब ये प्रेम का कोई आकार नहीं है निराकार है क्योंकि प्रेम तो महसूसी है है ना इसीलिए प्रेम कृत्य नहीं है प्रेम कार्य नहीं है क्रिया नहीं है प्रेम भीतर का एहसास है वो एक बहुत सुंदर गजल है ना साहिल लुधियानवी की जहां वो बोलते हैं कि इसको रूह से महसूस करो प्रेम को ना मन दो बस रूह से महसूस करो तो प्रेम वो है दर्शन वो है दर्शन बोलो प्रेम बोलो ये जो अनुभव की बात है ये महसूस ही है लेकिन इसका कोई आकार नहीं है लेकिन जैसे ही हमने बोला अभिव्यक्त किया और मजेदार बात है कि जो भी महसूस होगी वो एक्सप्रेस तो होगी चाहे आप ना भी बोलोगे तो आपकी आंखों से होगी आप बोल के नहीं भी जिता रहे हो तो भी आपकी आंखों से पता लग जाएगा आप, तो आपकी दृष्टि प्रेमपूर्ण है क्या इस अवस्था में इस में इन लोगों के प्रति या कहां पर पर भी जहां पर भी प्रेम आया तो पुराने लोग बोलते थे भाई इश्क मुश्क ख़ासी ख़ुशी ये दबे ना दबे इनको छुपा के नहीं रखा जा सकता अगर इश्क हुआ है मुश्क हुआ खांसी हुई खुशी हुई आप इनको छुपा के रख ही नहीं सकते ये है तो ये प्रकट हो जाएंगे है ना तो दर्शन प्रकट होगा और वो प्रकट कैसे होगा तो वो चाहे दृष्टि से हो चाहे वाणी से हो चाहे संकेत से हो चाहे बॉडी लैंग्वेज से हो वो प्रकट होगा जैसी प्रकट हुआ उस प्रकटीकरण को हमने ज्ञान बोला क्योंकि प्रकट होते ही जाना गया प्रकट होते ही पहचाना गया तो अनाकार है उपयोग दर्शन साकार है उपयोग ज्ञान क्योंकि जो जाना जा रहा है वो प्रगतिकरण से जाना जा रहा है और प्रगतिकरण जो है वो आकार में आई गया ना चेहरे पे खुशी आई अरे मुस्कुराहट आई ये आकृति हो गई ना आकृति बदल गई तुरंत और अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया है भटक गया है आप यहाँ मौजूद नहीं हो तो भी आपका चेहरा आपकी दृष्टि बता देगी ये आदमी बैठा गया है लेकिन गया तो ये जानना साथ के साथ हो रहा है आपके भीतर दर्शन भी हो रहा है जानना भी हो रहा है ज्ञान भी हो रहा है तो एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब दर्शन हो ज्ञान ना हो ज्ञान हो दर्शन ना हो दोनों ही सतत साथ ही है तद्विविधो, वो उपयोग दो प्रकार का है साकारोपयोग अनाकारोपयोग अष्ट चतुर्वेद आठ और चार वेदों वाला है आठ वेद क्या बताया पांच ज्ञान तीन अज्ञान ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही उपयोग बताया क्योंकि अज्ञान में भी उपयोग तो है ही बस दिक्कत क्या है अज्ञान में जो उपयोग है जो जानना हो रहा है वो खुद के सिवाय हो रहा है सब्जेक्टिवली नहीं हो रहा है हम खुद को नहीं जान रहे हैं हम किसी और की तरफ दृष्टि किए हुए हैं किसी और की दिशा में जाना जा रहा है तो वो अज्ञान हो गया और जानना तो सतत है खुद को जाना जा रहा है वो ज्ञान हो गया स्व प्रत्यय ज्ञान है स्व का बोध ज्ञान है जानने वाला जानने वाले कोई जान रहा है वो ज्ञान है तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी आइंस्टाइन के उन शब्दों की कि जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि आपने इतना जाना आपको कैसे फील हो रहा है तो बोले नहीं नहीं अभी कैसा लग रहा है कि वो जानने वाला कौन है जो जान रहा था उसको तो मैंने जाना ही नहीं वो पर आ गए हैं जहां उनकी जिज्ञासा अपनी दिशा में मुड़ गई है ये सौभाग्य ये है कि हमारी जिज्ञासा हमारी दिशा में जाए अन्यथा हमारे दुनिया भर के प्रश्न होते हैं दुनिया भर के प्रश्न हमारे पास है ये पेड़ में सेव कैसे लगता है धरती गोल गोल कैसे घूमती है ये मौसम कैसे बदलते हैं ये सागर कैसे पैदा हो जाता है ये पर्वत पहाड़ कहां से आए ये वर्षा कैसे हो जाती है दुनिया भर के प्रश्न हमारे पास प्रश्नों का कोई अंत ही नहीं है लेकिन खुद की तरफ खुद की दिशा में उठा हुआ कोई प्रश्न है क्या तो जब तक तो प्रश्न की दिशा खुद की तरफ नहीं जाती अपनी आंख अपनी और नहीं जाती तब तक ज्ञान की शुरुआत नहीं है तब तक अज्ञान तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। पर अज्ञान को भी उपयोग बोला हमने ये बात की थी लास्ट सेशन में अज्ञान भी उपयोग है मतलब वो भी अकारण है वो भी लक्षण है वो भी है मौजूद है वह ऐसा नहीं कि वो किसी की निष्पत्ति है किसी का परिणाम है पैदा किया गया नहीं वो मौजूद है वो उपयोग लक्षण रूप है ये बात हमने की अज्ञान को कहीं से लाया नहीं गया है वो है क्यों है क्योंकि जो जानना हो रहा है वो बाहर की दिशा में इसलिए वो है और वो भीतर की दिशा में जानना हो जाए तो ज्ञान हो गया ज्ञान की विशेषता क्या है ज्ञान मुक्त करता है अज्ञान की विशेषता क्या है अज्ञान भारी करता है ज्ञान है तो विचारों का प्रवाह चलता रहेगा ज्ञान है तो विचार ही नहीं निर्विचार अवस्था में ज्ञान होता है जहां महसूस ही है पूरी तरह से जहां देखना है वहां विचार करना नहीं होता देखना और विचार करना विरोधी है जैसे इस टाइम आप सूर्य को सूरज को देख रहे हो सूर्योदय हुआ है इंडिया में तो हम सूरज को देख रहे हैं, तो हम सूरज का विचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं नहीं रहा आप इस यूएसए में बैठे मैं बोलू सूरज तो आप भीतर में कल्पना लाओगे विचार लाओगे क्योंकि अभी देखना नहीं हो रहा है अभी मन के विचारों से आप देख रहे हो तो जब विचार से देख रहे हो इसका मतलब क्या हो, हो कि वो मौजूद नहीं है प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है तो जो कुछ भी विचारों से हम हमारा जानना हो रहा है उसको मति कहा उसको श्रुति कहा वह ज्ञान रूप भी हो सकता है अज्ञान रूप भी है अपनी दिशा में है तो ज्ञान रूप है और बाहर की दिशा में तो अज्ञान रूप है अच्छा बाहर की दिशा में है ही क्यों जन्मों जन्मों जन्मो से भीतर की दिशा में जाने के लिए हमारे भीतर प्रेरणाएं जिज्ञासाएं उठी नहीं और जब उठी तो हमने उसको भी बाहर से करने की कोशिश की। कोशिश लोगों में जिज्ञासा तो पैदा हुई मैं कौन हूं मैं कहां से आया हूं मैं कहा जाऊंगा लेकिन इस इसके बारे में भी उन्होंने बाहर से जानकारी जुटाने की कोशिश करी प्रश्न तो पैदा हुए लेकिन प्रश्न का समाधान वहां ढूंढ रहे जहाँ वहां नहीं है तब क्या हुआ हमने उन लोगों के विचारों को पढ़ना शुरू कर दिया जिन्होंने जाना होगा ऐसा हमारा तो अनुमान है हमें नहीं पता कि किसने जाना अभी हमने कहा रामकृष्ण परमस ने जाना ये हमारा तो अनुमान है हमारा अनुभव नहीं है मैंने मुझको जाना हो तो ही मैं कह सकती हूँ रामकृष्ण परमस ने जाना ये मेरा अनुभव है लेकिन अभी अगर मैं कहती हूँ रामकृष्ण ने जाना तो ये मेरा अनुमान हो सकता है अनुभव नहीं हो सकता हम किसी के भी बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना हम अपने बारे में जान रहे हो जैसे एक स्केल उतना ही माप सकती जितनी वो खुद है उससे स्केल मापेगी कैसे नहीं बोलते हमारे पास जितना पात्र होगा उतना ही तो सामान उसमें आएगा एक शेर का एक किलो का पात्र तो एक किलो सामान ला सकता है वो अपने दो किलो कहाँ से लाएगा जाकी जैसी बुद्धि है वैसी दे दिखलाए ताका बुरा न मानिए वो लेन कहाँ से जाए हम किसी के भी बारे में कुछ बात करेंगे तो वो हमारे अपने उपकरणों की जितनी क्षमता उतनी ही बात कर सकते हैं हमने अपने आप को जाना हो तो ही हम किसी और को भी जान सकते हैं नहीं जाना है खुद की दिशा में तो बाहर की दिशा में हम सोचना है तो ले सकते हैं अनुमान तो हो सकता है अनुभव नहीं हो सकता और हमें अगर ये क्लियर हो जाए कि हम अनुमानों की बातों को ही अभी अपना अनुभव की तरह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं हमारी मूर्खता कहा दिखलाई पड़ने लग जाए तो शायद हम अज्ञान से ज्ञान की दिशा में आ जाए हमारी दिक्कत क्या है कि हमने लोगों के विचारों से बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया जानकारियां और अब हमें ये ऐसा एहसास होने लग गया कि जैसे मैं ही जान गया हूं जैसे मैंने डिस्कवरी चैनल पे कोई वीडियो देखा और मुझे लगा ओ मेरा तो जान गया इसके बारे में इस जंगल के बारे में इस खेती के बारे में फला नदी के बारे में क्योंकि मैंने चैनल पे उस सब के बारे में वीडियो देख लिया है अब हैरानी की बात है जैसे आप और मैं भी अगर कोई ऐसी जगह पे खड़े और उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करे या फोटोग्राफी करे तो हमें खुद को पता लगता है कि हम वो ले ही नहीं सकते उस वीडियो और फोटो में जो वहां है जो है वो तो इतना वास्ट है और जो कैप्चर किया जा रहा है वो कितना थोड़ा है मेरा बड़ा मन करता है जब मैं इन पहाड़ों में होती हूँ तो ऐसा मन करता है इसकी फोटो लेकर के उनको भेजू है ना कोई लोग मांग भी कर रहे होते हैं अरे आप वहां हो तो हमें वहां की फोटो भेजो वीडियो भेजो लेकिन मैं खुद हैरान होती है तो क्या लिया जा सकता है क्या भेजा जा सकता है वो तो इतना छोटा कैसे भेजो? जो मेरी इतनी तो छोटी सी आंख इतना बड़ा देख रही है उसको मैं कैप्चर भी करूंगी तो वो कितना होगा तो अभी हमारी स्थिति क्या है कि हमने किताबों में पढ़ के सुन मान लिया जान लिया दुर्ख लोगों की बातों से सुन करके जान लिया आत्मा उद्गल, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सारे ही बड़ी बड़ी बातें पुण्य पाप स्वर्ग नरक और हमें ऐसा लग मैं तो जानता हूं अब ये मिथ्या ज्ञान है किसी और की जानकारियों को हम सुन करके पहचान बना सकते हैं लेकिन वो अनुमान के रूप में होगी अनुभव के रूप में नहीं होगी और फिर हम ये 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 मान लेते हैं कि मैं जान गया ये हमारा है। ये ही दर्शन है क्योंकि हमने देखा नहीं पर हमने कल्पना की आंख से समझ लिया कि मैंने देख लिया हमने शब्दों को सुनकर के समझ लिया कि मैंने जान लिया शब्दों की पहचान बनाई और ऐसी हो रही है ये सारी पहचान जो हम अपने बारे में दे रहे हैं या औरों से ले रहे हैं या किसी के भी बारे में ले रहे हैं ये सारी वाया वाया हो रही है डायरेक्ट नहीं हो रही वाया वाया चल रहा है किसी के थ्रू चल रहा है विराट तो गुरु जी बोलते थे उधार ज्ञान उधार परोस दिया तो उधार लिए बासी जानकारियां हमने आगे से आगे पास कर दी और हम समझ लगे हम ज्ञानी हो गए ये हमारा मिथ्यात्व है ये मिथ्यादर्शन है मिथ्यादर्शन की वजह से यह अज्ञान है अब अपने अज्ञान का बोध हो जाए वो ज्ञान है अब बड़ी मजेदार बात है अपने अज्ञान का बोध हो जाएगी तो अज्ञान है ये ज्ञान नहीं है तो जो बोध कर रहा है वो बोध क्षमता ज्ञान है जो बोध है वह ज्ञान है और अपने अज्ञान का बोध हो जाए वह ज्ञान है क्योंकि जैसी अज्ञान का बोध होगा वैसे भीतर में कोई तरह का अहम नहीं बनेगा अहम बनता अज्ञान में है ज्ञान में अहम नहीं बनता अहम बनने का मतलब क्या हुआ वहां हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मैं ये हूं अभी तो क्या हुआ मैंने किताबें पढ़ के जान लिया तो मैंने अपने आगे डिग्री लगा दी आई एम डॉक्टर आई एम फिजिशियन आई एम सेक्रेटरी मैंने अपने आगे बहुत सारी डिग्रियां लगा ली और मैंने मान लिया मैं ये हूँ हैरानी की बात है जो ये घोषणा कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ मैं साइकेट्रिस्ट हूँ फिजिशियन हूँ भी शांति से पूछा जाए वो खुद अगर इंट्रोस्पेक्ट करे तो क्या मैं अपने मन को जान सकता हूँ क्या मैं अपने मन के का साक्षात्कार कर रहा हूं क्या जब मेरी जीवन में परिस्थिति आती है तो मैं मन का गुलाम नहीं बनता अगर हम अपना इंट्रोस्पेक्ट करते हमें तो पता लगेगा अरे मैं बातें कुछ और कर रहा हूं वो कुछ और मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा अनुभव तो नहीं आया मेरा अनुमान है वो मैंने किताबें पढ़ के जान लिया है लेक्चर सुन के जान लिया है तो अपने अनुमान के प्रति सजगता जो आ रही है वो जो सजगता का क्षण है वो जो जानकारी के प्रति जानने का जो सजगता का क्षण है वह जानना जो है वह ज्ञान रूप है इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने क्या बात कही कि हम हमें अपनी मूर्खता पता है बस सुकरात की स्टोरी आती है कि देवी बोलती है कि सुकरात ज्ञानी है जनता उसके पास पहुंच जाती है कि आप ज्ञानी है सुकरात बोलते नहीं नहीं कोई और सुकरात ज्ञानी होगा मैं तो जानता हूं मैं मेरे को अपना अज्ञान पता है मैं अज्ञानी हूं ये मैं जान रहा हूं और उसी को ज्ञानी कहा जिसको ये पता लग रहा है कि वह ज्ञानी उसी को पात्र कहा जिसको अपनी अपात्रता दिखलाई पड़ रही है अब ये थी मजेदार बात है तो ज्ञान उपयोग है अज्ञान भी उपयोग है दर्शन उपयोग है दर्शन के चार भेद बताए चक्षु दर्शन आंख से देखना अचक्षु दर्शन आंख के सिवाय बाकी अन्य इंद्रियों से देखना जैसे हम आँख बंद कर ले तब भी हम महसूस तो कर ही रहे हैं हवाओं को सर्दी को गर्मी को वह तो जो महसूस अचक्षु दर्शन है चक्षु से नहीं हो रही है देख के भी दर्शन हो रहा है बिना देख के भी हो रहा है छुके हो रहा है सुन के हो रहा है फिर अवधि दर्शन जो इन इंद्रियों के सिवाय भी हो रहा है दर्शन, जैसे हम जब में है, तो चक्षु दर्शन भी नहीं हो रहा है चक्षु दर्शन भी नहीं लेकिन उसके बावजूद हमारे भीतर कल्पना चल रही है सपना चल रहा है और सपने में हम क्या क्या देख रहे हैं कांका चले गए वो सारा दर्शन भी हो रहा है हमको फिर केवल दर्शन अवधि दर्शन के और भी अर्थ है जैसे कोई लोग अपने ध्यान को एकाग्र करके किसी क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं भीतर कोई क्वेश्चन उठा और उस क्वेश्चन की दिशा में अपने ध्यान को एकाग्र करके अपनी ही चित्त की स्थिति से वहां पर पहुंच जाते उसको अवधि दर्शन भी कहा और फिर केवल दर्शन उसको कहा दर्शन जो मात्र दर्शन है अब उसमें कोई भी तरह का दूषण नहीं मिला हुआ है जो किसी भी तरह से किसी और पर निर्भर नहीं है इंद्रियों पर निर्भर नहीं है मन पर निर्भर नहीं है इंद्रिय और मन के सिवाय जो बोध हो रहा है उसको केवल दर्शन का इंद्रिय और मन से हमें जो महसूस हो रहा है वो सब कुछ संसार है इंद्र मन के सिवाय जो बोध हो रहा है वह स्वरूप है हमारा वह केवल दर्शन हमारा निज रूप है केवल ज्ञान हमारा निज रूप है उसके सिवाय चारों जो ज्ञान बताए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन ज्ञान ये सब डिपेंडेंट है इन सब के लिए कोई इंद्रिय कोई मन की सहायता है लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वह केवल ज्ञान है केवल ज्ञान का मतलब अब मात्र ज्ञान रहा ज्ञान ज्ञाता ज्ञे अलग अलग भेद नहीं बचे तो इस तरह से इस उपयोग लक्षण के दो भेद फिर दो के वापस आठ और चार भेद बताए गए सद्विविधु अष्ट चतुर्भेद अब आठ और चार भेदों में से जिसमें केवल दो ही भेद रहे केवल दर्शन केवल ज्ञान वे तो मुक्त है विमुक्त है इसीलिए केवल दर्शन केवल ज्ञान है वे मुक्त है मतलब क्या हुआ कि अब उनका दर्शन उनका ज्ञान किसी भी तरह के आवरण से रहित है, अब उनके ऊपर कोई प्रोजेक्शन नहीं है कोई आवरण नहीं है अभी हमारी स्थिति क्या है हम देख रहे हैं लेकिन चश्मा चढ़ाए हुए देख रहे तरह तरह की मान्यताओं के चश्मे हम सबके ऊपर है तो हम अपनी मान्यताओं से देख रहे हैं जैसे नहीं कोई भगवा वाला निकलेगा भगवा कपड़ा पहना हुआ हम मान ले गए तो हिंदू सन्यासी आए पगड़ी निकाल लगाए हुए निकलेगा हम कह रही है तो सिख आए पंजाबी है सिख है अब हमने उसकी पगड़ी के चिन्ह से उसके बारे में कुछ मान लिया अब ये जो मानना है ये सब कुछ हमारे भीतर जो आरोपण इकट्ठे हो चुके हैं हम सारे उन आरोपणों के थ्रू देख रहे हैं अब ये जो चित्त में इतने सारे तरह तरह के आरोपण हमारे भीतर है उसके थ्रू देखना जो है वह देखना हमारे दृष्टि को चश्मे के साथ देखना है कोई तरह की मान्यता के साथ देखना है चश्मा यानी कोई धारणा कोई मान्यता कोई धारणा कोई मान्यता की वजह से जो कुछ हम देख रहे हैं अब क्या हुआ हम यथार्थ नहीं देख रहे जैसा है वैसा नहीं देख रहे अब वो क्या है वो हमें नहीं पता हमने तो पहले उसको नाम दे दिया क्योंकि हमारी मान्यता उसको नाम दे देती है सिख है मान्यता नाम दे देती है गोरा है ये काला है मान्यता नाम दे देती है ये बड़ा आदमी है हम तो छोटे आदमी है ये मान्यता सब नामकरण करती है तो इसकी वजह से क्या होता है नामकरण करने की आदत की वजह से और मान्यता ग्रस्त होके देखने की वजह से हम एज इज नहीं देख रहे जो है उसको वैसा नहीं देख रहे जो जैसा है उसको वैसा देखने में क्षण को देखना होता है क्षण में देखना होता है और उसको किसी और से कनेक्ट करके देखने में हम क्षण को चुक जाते हैं ज्ञान क्षण का विषय है सम्यक है समय मात्र में है अज्ञान वह है जो किसी मेमोरी के आधार पर है जो किसी सूचना के आधार पर है जो किसी मान्यता से कनेक्ट होकर के है ज्ञान में तो मात्र जानना होगा नामकरण नहीं होगा लेकिन अज्ञान में क्या होगा मात्र जानना नहीं होता है जानने की क्षमता तो है ही इसी क्षण में ज्ञान किसी भी क्षण गायब नहीं होता है ज्ञान है ही अज्ञान क्या किसको बोला गया कि जो ज्ञान को मलिन कर रहा है जो ज्ञान को कुत्सित कर रहा है जो हमारे जानने की क्षमता को लगातार हमारे भीतर में मौजूद मान्यताओं के अः बावंडर के कारण से मान्यताओं के चश्मों के कारण से जो उसको रंगीन किए दे रहा है उसको अज्ञान बोला तो जहां ऐसा हो जाए कि हम मात्र जानने की स्थिति में हो लेकिन उसके साथ में कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहे हो जैसे छोटा बच्चा जान रहा होता है जब तो उसके सामने जानने के साथ शब्द नहीं होते वो एक फूल को देख रहा है तो बस वो देख रहा है फूल को लेकिन जैसे ही उसने अपने पापा से पूछा पापा ये क्या है पापा ने बोल दिया बेटा ये सूर्यमुखी का फूल है बस अब नाम आते ही वो फूल की इतनी सारी स्थितियों से अब वो एकदम छोटी सी स्थिति में आ जाएगा सूर्यमुखी का फूल वो जब दोबारा कभी फूल को देखेगा तो वो फूल को नहीं देखेगा उसके दिमाग में प्रति आ गई सूर्यमुखी का फूल है बस अब वो फूल को देख ही नहीं रहा है उसके दिमाग में हल्के से देखने के साथ ही एक आकृति आ गई है एक नामकरण आ गया है एक आकार आ गया है एक फ्रेम आ गया है जहां हम फ्रेम बना लेते हैं वहीं हम फिर से चुप जाते हैं क्योंकि जानना तो क्षण हो रहा है क्षण क्षण हो रहा है और फ्रेम बनाने के साथ ही क्या हो गया जिस क्षण फ्रेम बना लिया उसके बाद में हम उस फ्रेम से ही मुलाकात कर रहे होते हैं इस तरह से हम क्षण से चुपते जाते हैं जब तो महावीर कह रहे हैं ये साधु है लेकिन नरक में जा रहा है तो मावीर कह रहे वो साधु के वेश में है क्रिया कर रहा है तपस्या कर रहा है लेकिन तो नरक गावी हो रहा है साधु नहीं है तो क्षण की बात कर रहे हैं लेकिन अगले क्षण वो कह रहे है कि अरे ये तो साधु है और इसकी भावधारा बदल गई है अब ये मुक्त हो रहा है अब क्षण बदल गया है पर हम लोगों की अभी तक भी सारी आदत ऐसी है कि हम हर चीज को हमारे दिमाग में जो फ्रेम बना लेते हैं फिर हम उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही देखते हैं ये देखते ही नहीं हमारे फ्रेम ही फ्रेम को देख रहे होते हैं बस फ्रेम ही फ्रेम को बनाते जा रहे होते हैं ये अज्ञान है हमारा हमें अपने अज्ञान की प्रक्रिया के प्रति बोध आ जाए तो हम ज्ञान पूर्ण हो गए क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव ही है मुक्त तो स्वभाव ही है लेकिन इस धारा को हम कैसे अज्ञान में तब्दील किए दे रहे हैं ये कारण समझ में आ जाए क्योंकि जानना क्षण क्षण है लेकिन हम क्षण से चूक जाते हम किसी एक, एकाद क्षण की पकड़ के साथ खुद को रोक लेते के हर क्षण जानने की गति यात्रा को हम ही अपनी मान्यताओं की वजह से बाधित कर देते हैं तो क्योंकि हमारे दिमाग ने मान्यता बना ली फ्रेम फिट कर लिया अब ये फ्रेम फिट करने से क्या हो जाता है हम आलसी हो जाते हैं अब हमें इस क्षण और जानने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने तो मान लिया ये ऐसा है ये आलस आ गया और आलस में मजा आए चुप आलस में क्या मजा है कि हमें जागने की जरूरत नहीं ना बस हमने मान लिया खत्म हो गई बात हमने पाठ रट लिया सत्यमेव जयते पाठ रट लिया गुरु द्रोण पूछ रहे पाठ याद हो गया सब कहते हाँ याद हो गया सत्यमेव जयते युदिष्ट बोलते नहीं याद हुआ अरे इतनी सरल सी बात दो शब्द याद नहीं हुए तुमको गुरु ने डांट पिलाई बोले नहीं याद हुए क्योंकि याद करने की बात थोड़ी है तो जीवन में उतारने की बात है और जब जीवन में स्थितियां आती है तब हम कहां सत्य की बात पर रहते हैं जैसे हम अपने अपने सुविधाओं को पकड़ लेते हैं झूठ का सहारा ले लेते हैं अब जो बात युधिष्ठिर देख पा रहे हैं उसका पढ़ाने वाला शिक्षक गुरु द्रोण भी नहीं देख पा रहा है तो युद्ध क्यों देख पा रहा है क्योंकि वो जीवंत हो करके जान रहा है और बाकी लोग क्यों नहीं देख पा रहे क्योंकि वो पाठ के रटने को ही ज्ञान मान रहे तो हम सबकी स्थिति क्या है कि हमने जो पाठ रट लिए है हमने उसी को अपना ज्ञान मान लिया और वहीं पे हम अटक के रह गए हमने लाइवली जीवंतता के साथ अपने आप को नहीं जान रहे और जीवंतता में मजा किया वह आलस नहीं हो सकता वहां तो क्षण क्षण होगा तो जो क्षण क्षण होश की धारा है वह उपयोग लक्षण है वह ज्ञान रूप है दर्शन रूप है निराकार है पर साकार भी है साथ के साथ साइमल्टेनियसली निराकार भी है साइमल्टेनियसली साकार भी है भेद नहीं दोनों के बीच में कि पहले निराकार हुआ फिर साकार हुआ कि पहले साकार हुआ कि फिर निराकार हुआ दोनों साथ के साथ है जिसकी ये उपयोग की धारा केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप है वे मुक्त लोग है वे मुक्त है पर जिनकी ये उपयोग की धारा केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप ना होकर के बहुत सारे चीजों का मिश्रण हो गई है डिपेंडेंट हो गई है जो आलसी है अभी आलसी होने में मजा क्या है कि हमें कुछ जानने के लिए जागृत रहने की जरूरत नहीं है फिर जो रट लिया उसी को चलाए जाओ जैसे आज का सारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि पहले अंदर डाल दो फिर वॉमिट कर दो पहले खा लो सब फटाफट फटाफट सारे विचारों को अंदर ले जाओ सारी किताबों को दिमाग में भरो और फिर एग्जाम में जाके दिमा दिमाग में जो भरा उसकी उल्टी करके आ जाओ तो इसमें लाइवलीनेस कहा तो भी लाइवलीनेस नहीं है वहां पे क्या हो गया हम आलसी हो गए हमने रटने को ज्ञान मान लिया बस यही गड़बड़ी हो गई इसको मती अज्ञान बोला शुद्ध अज्ञान बोला अवधि अज्ञान बोला इसको अवधि अज्ञान कह दो या विभंग ज्ञान कह दो एक ही बात है एवं हम टुकड़ो टुकड़ों में जान रहे टुकड़ो टुकड़ों की जानकारियों को हमने इकट्ठा करके ये मान्यता बना ली कि मैं जान गया बस चुप ये जो इसी को शास्त्र की भाषा में प्रमाद बोला तो जब तक तो प्रमाद है तब तक क्या हुआ कि हमारा लगातार गोल 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 ही घूमना रहेगा हम इस गोल गोल घूमने से मुक्त नहीं हो रहे हैं तो अगला सूत्र क्या बोल रहा है आठ नौ दसवा सूत्र दसवा सूत्र कह रहा है कि ये जीव जो है वो दो प्रकार के पहले जीव का स्वरूप भाव पांच बताया जीव का लक्षण उपयोग बताया लक्षण के भेद बताए और अब ये दसवा सूत्र कह रहा है कि दो प्रकार के जीव है संसारिणों मुक्ताश्च संसारी है और मुक्त है इस आधार पे भेद हुआ कि जिनका दर्शन जिनका ज्ञान केवल हो गया वो तो मुक्त है वो जिनका दर्शन जिनका ज्ञान अभी केवल नहीं है बटा बटा है टुकड़ों टुकड़ों में है अखंड धारा नहीं है होश की अखंड धारा में जो है वो मुक्त है जो होश की अखंड धारा में नहीं है जिनकी बत्ती लगभग लगभग हो रही है अब वो क्या कर रहे हैं वो अपने ही भीतर अंधेरे और उजाले में झगड़े में फंसे हुए हैं द्वंद्व में है तब वे संसारी है संसारी का मतलब क्या हुआ वे संसरण करते रहेंगे अभी घूमते रहेंगे अभी परिवर्तन करते रहेंगे अभी उनकी जो खंड खंड धारा है वो लगातार बदलती रहेगी बदलने का कारण है क्योंकि हमारे भीतर इतनी तरह की मान्यताएं हैं इतनी डिपेंडेंसी है तो संसारीशय दो तरह के जीव बताए संसारी और मुक्त संसारी शब्द क्यों दिया तो वह जो संसरण कर रहा है वह जो एक एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार बदलता जा रहा है वह जो अभी रूपाकारों में बार बार आ रहा है अब ये संसरण है ये जो उसका गोल गोल घूमना है संसार शब्द का अर्थ अनुभवी लोग बोलते द चक्र गोल गोल घूमते रहना टीकाकार इसकी व्याख्या करते हैं कि संसरण कितने तरह का है तो बोला द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव पांच प्रकार का संसरण है द्रव्य जो फिजिकली हम देख रहे हैं जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है क्षेत्र जो आ, स्थान है उसमें परिवर्तन हो रहा है काल समय में भव यानी नरक तिरंज मनुष्य देव रूप अलग अलग भावों में और भाव जो लगातार भीतर में चल रहा है औदयिक भाव औमिक भाव श्रमिक भाव, भाव, भाव ये जो लगातार संसरण चालू है वह संसार है और सबका कारण क्या है क्यों संसरण चालू है अज्ञान अज्ञान का शब्द कैसे दिया शब्द दिया राग राग है तब तक अज्ञान है। राग बोला या मोह बोलो एक ही बात है उत्तराधन सूत्र बोलता है रागो योषो ये ये मोह व्यंती मोहोच जा मूलम दुखम च जाई मरणम व्ययति राग व दोष वित्त है जिसकी वजह से सारे कर्म श्रृंखला जन्म लेती है राग का मतलब क्या रंग चढ़ा लिया और रंग चढ़ाने का मतलब क्या हुआ प्रभावित हो गए चित्त में कोई इंप्रेशन हमने इकट्ठे कर लिए फिर अपने ही चित्त में हमने जो जो इंप्रेशन इकट्ठे किए हैं हम अपने ही उन इम्प्रेशन के साथ ही झगड़ा फसाद करते रहते, रहते हैं बातचीत करते रहते हैं प्यार या घृणा करते रहते हैं हमारा प्यार हमारी घृणा हमारा सम्मान हमारा अपमान सब कुछ क्या है अगर हम थोड़ा सा जागरूक होके उनके प्रति देखना शुरू करें तो हमें पता लगेगा वो हमारे माइंड में ही है सब कुछ और माइंड के अंदर जो इम्प्रेशन हमने इकट्ठे किए उस इम्प्रेशन को लेकर के हम किसी को सम्मान दे रहे हैं किसी को अपमान कर रहे हैं हम कह रहे तुमसे दिल लग गया ये क्या हुआ हमारा माइंड में इम्प्रेशन कुछ इकट्ठे कर लिए फिर हमने कहा हमारा दिल टूट गया ये क्या हुआ वो जो इंप्रेशन हमने बनाए थे वो इम्प्रेशन गड़बड़ हो गए दिल टूट गया अगर हमें ये थोड़ा सा निष्पक्ष होकर देखना आ जाए कि कैसे हमारे भीतर माइंड गेमिंग चल रहा है वैसे ये इंप्रेशंस की वजह से सब कुछ हमारे भीतर ही पैदा होता जाता है और तब तो हम किसी को अच्छा किसी को बुरा किसी को अपना किसी को पराया किसी को नेता किसी को जनता सब अलग-अलग नाम दिए जाते ये कहां इंप्रेशंस है हमारे भीतर इंप्रेशंस ही खट्टे करते हम और क्यों करते हैं क्योंकि हम क्षण को नहीं जानना चाहते हमने जो एक बार जान लिया हम उसकी पकड़ बना करके बैठे रहना चाहते क्षण क्षण जाग जानने के लिए क्षण क्षण जागरूक रहने की बात होती है और तो क्षण क्षण जागरूक कौन रहे हमें बेहोशी अच्छी लगती है जब जैसे हमने बेहोशी का चुनाव किया वैसे हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी बंद कर दी वैसे हमने जो कुछ ये जान लिया है उसको हम मान्यता बना करके ठहर जाना मजा लगता है और ये नहीं पता जो ठहर गया वो सड़ गया आज फिर हमारा दिलो दिमाग सड़ गया फिर जिंदगी सड़ जाती है और सड़ी हुई जिंदगी लोग ढोते हैं जीते कहा है और फिर सड़ी हुई जिंदगी को ढोते धोते कहते हैं यार जिंदगी में मजा क्या है मजा क्यों नहीं है क्योंकि वो शेर जी नहीं रहे तो मजा कहाँ से होगा जीवन तो शन है पर वो तो अपनी किसी मान्यताओं की कि मूर्ख में बैठे हैं तो उनको जीवन शनस तो महसूस ही नहीं हो रहा है तो वो कहते हैं मजा ही करें जिंदगी में और फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं औरों को ब्लेम करते है और ये ब्लेम गेम पूरी जिंदगी चालू रहता है और नहीं तो फिर अपने शरीर को ब्लेम करेंगे नींद में सोते कितने लोग है बोलते हैं अरे कमर दुख रही है अरे माथा दुख रहा है अरे पैर दुख रहे हैं अरे नींद बहुत खराब आई वो ब्लेम गेम चालू है अभी दूसरे को नहीं कर रहा अभी खुद को कर रहे हैं थोड़ी देर के बाद में बोलेंगे अरे नौकरानी अभी तक नहीं आई अब उसके ऊपर ब्लेम फिर वो आ गई तो कहेंगे तू तो काम ढंग से नहीं करती है बहुत बहुत पानी गिरा रही है, बहुत ये कर रही है है ये कर फिर ब्लेम और हम इतने बेहोश है हमें पता ही नहीं हम कर करके रहे पूरी जिंदगी ऐसे ही चालू रहता है कभी खुद को कभी दूसरे को और इस तरह से हमारी होश की धारा अपने दिशा में कभी जागरूक होते ही नहीं हम तो हम उपयोग लक्षणम समझे कि उपयोग लक्षण है जीव का और वह सतत है और सतत उसके प्रति हम जागरूक रहे अपने होश की धारा को वो जो अखंड धारा हमारे भीतर बह रही है हम ही हैं हम उसमें ही उपस्थित हो जाएं बस तो उपयोग हुआ हम उपस्थित नहीं है तो उपयोग नहीं हो रहा बस तो उपयोग का उपयोग रहे अपने होश के प्रति होश रहे जो तो हम स्वभाव में रहेंगे जो स्वभाव में है वह मुक्त है जो स्वभाव में नहीं है वह संसारी नो संसारी है तो ये दसवा बोल रहा है जीव दो प्रकार के संसारिणों मुक्ताश्चर्य एक वे जो अपने स्वभाव में आ गए वे तो मुक्त है एक वे जो अपने स्वभाव में नहीं है लगातार टूटी टूटी जिंदगी जी रहे टुकड़े टुकड़े में भंग भंग है खंड खंड है जिनकी होश की धारा खंड नहीं है। जो प्रमादी है मूर्छित है वो संसारी है और वो संसारी क्यों है क्योंकि उनको आदति पड़ गई इंप्रेशन में रहने की और जो इन इम्प्रेशन के प्रति जाग गया अपने ही भीतर इकट्ठे हो रहे चित्त के हर इंप्रेशन के प्रति होश में आ गया उसके तो ऊपर इंप्रेशन बनते ही नहीं है तो इंप्रेशन नहीं बनना यानी राग नहीं रहना और राग नहीं हुआ तो मुक्त हुआ तो हम समझे कि हमारा ही स्वभाव है संसारी और मुक्त हम क्या है क्या हो सकते हैं हम ही सोचे अपने आप के प्रति अपने खुद में जो स्थित हो गया स्वरूप के प्रति जो जागृत हुआ वो मुक्त हो रहा है जो जागृत नहीं हुआ वो भी बार 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 उसी चक्र में चक्कर लगाता जा रहा है तो हमारे ये चक्कर लगाने की आदत के प्रति हम सावधान हो जाए बस ये सावधानता हमें मुक्त कर दी जाएगी आज इतना ही फिर जीव के और भी अपेक्षाओं से जो भेद है वो अगले सूत्रों में हम फिर अगले सेशन में बात करेंगे कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित है सबके लिए दुआ पढ़ती आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सद के दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे हर घड़ी सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के रुख पे खिलती रहे यू रूह की मुस्कान जय हो जय हो जय हो सब का कल्याण होम शां।